हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल के ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एसी की सर्विस। जैसा आप देख रहे हो कि गर्मी आ चुकी है, तो जब भी गर्मी आती है तो उससे पहले हम अपनी एसी की सर्विस करा लेते हैं, जिससे कि एसी अच्छे से वर्क करे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि हम घर पे अपनी एसी की सर्विस कैसे कर सकते हैं और एसी सर्विस के पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए विशाल के ब्लॉग। दोस्तों, ये अपना एलजी का 3 स्टार एसी, जो कि इसकी इंडोर यूनिट है। ये 2019 मॉडल है, जिसकी कैपेसिटी है 2 टन। करते हैं इंडोर यूनिट की सर्विस, तो मेरे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए विशाल के ब्लॉग। दोस्तों, ये हैं इसके एसी फिल्टर, जो काफ़ी गंदे हो चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडोर यूनिट के अंदर कितनी डस्ट आ चुकी है, तो इसी को हमें क्लीन करना है। इंडोर यूनिट को क्लीन करने के लिए हमें एक पेंट ब्रश की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, हम थोड़ा सा मग में पानी ले लेंगे, उसके अंदर डिटर्जेंट मिला लेंगे, और हमको टूथब्रश की जरूरत पड़ेगी। धीरे-धीरे पॉपर्स की कॉइल को रब करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एसी फिल्टर काफ़ी गंदे हो चुके हैं, इनको एक दूसरे से झटकेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इनमें कितनी डस्ट निकल रही है। अब हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कॉइल्स काफ़ी क्लीन हो चुकी हैं पहले के मुकाबले। इंडोर यूनिट की तो सर्विस हो चुकी है, अब थोड़ी देर बाद हम चलते हैं।
दोस्तों अब लगाते हैं इसके एसी फिल्टर, इसके बाद हम आउटडोर यूनिट पर चलेंगे। दोस्तों ये इसकी आउटडोर यूनिट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये आउटडोर यूनिट का साइड व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी कॉपर कोइल्स में काफ़ी डस्ट ऐड हो चुकी है। अब इसको हम करेंगे वॉश, इसकी कॉपर कोइल जो है मीडियम प्रेशर के साथ, पानी के प्रेशर के साथ इसको वॉश करेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि पानी इसके फ़ैन में ना जाए, वरना फ़ैन ख़राब हो सकता है। दोस्तों आउटडोर यूनिट की भी सर्विस हो चुकी है, कोइल्स काफ़ी गंदी हो रही थी जो कि अब वॉशिंग के बाद काफ़ी क्लीन हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अब थोड़ी देर बाद हम एसी को ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम इसका जो फ्लैप एंड डोर यूनिट का वो बंद कर देंगे। हमारी एसी की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। अब हम कूलिंग चेक कर लेंगे, कूलिंग एसी अच्छे से कर रहा है या नहीं।